जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स में लिखेंगे जय श्री महाकाल और वीडियो में जो लाइक का बटन है उसे दबाएंगे। क्योंकि दोस्तों, हम आपको हमेशा नई और कुछ यूनिक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं और राशिगत जानकारी और सकारात्मक ज्योतिष केवल हम बतलाते हैं जो सही और आपको मोटिवेट करती रहे, जो जीवन में आपको हमेशा उम्मीद उत्साह से भरती रहे, बस यही हमारा कार्य है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक पर कि जब जो होना है वो होके रहेगा, जो होना है वो होके रहेगा। इस बात को लेकर मैं आज इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि बहुत से लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, वो कहते हैं कि हमने अभी तक जीवन में कभी कोई अच्छा दिन देखा ही नहीं, दूसरी बात है हमने कब दिन पलटेंगे, मैं बहुत बुरे हालात तो दौर से गुजर रहा हूँ और कई सारी परेशानियाँ वो अपने बारे में लिखते हैं। देखिए, आपकी कोई भी परेशानी हो, आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं आपकी राशि के लिए, तो मुझे जहाँ तक यकीन है कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आप इन चीज़ों से बाहर आएंगे। पर शर्त है कि जिस तरीके से आपको बताया जाए उस तरीके से आप करेंगे। पहली बात है दोस्तों, होता यूँ है कि हम जो घटनाएँ हमारे साथ घटित हो रही है उसमें कुछ हमारे व्यसन और आदतें हैं जो हैं वो बहुत बड़ी दोषी हैं। और जब हम छोड़ना चाहते हैं, जब बहुत कुछ बात बिगड़ जाती है, तब हम कहते हैं कि हम इसे अब छोड़ कर नहीं शुरुआत करेंगे। तो वो विषय एक बहुत अलग होता है। उससे पहले ये है कि अगर आप कोई भी व्यसन करते हैं आज, तो उसे छोड़ दें। क्योंकि नशा जो है वो कहीं हद तक बहुत ज़्यादा इसमें एक फैक्टर है। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि आप अगर प्रोफेशनल, आज का एक जो दौर है उसमें यूँ कहा जाता है कि अगर प्रोफेशनलिज्म इतना हावी है कि उसमें ये सब चीज़ें करना पड़ती है, बहुत से लोगों के कमेंट्स हैं, बहुत से लोगों के तर्क भी होंगे, तो वो केवल एक हद तक रखें। आप तो बेहद हो जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि जितना पेट को लगेगा आप उतना ही पियेंगे ना, या उतना ही खाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं खा सकते। तो उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के दायरे में रहें। यहाँ पर एक टेक्निकल बात नहीं बताया, पर खासकर मैं पहली दावा यही करता हूँ कि प्लीज़ आप इन चीज़ों को छोड़ दें। मैं मुद्दे से भटक रहा हूँ इसलिए आपको वापस मुद्दे पर लाता हूँ। दूसरी बात है कि जो घटनाएं जीवन में हमारे घटित हो रही हैं, जितनी चीज़ें घटित हो रही हैं, उन सभी को भूल कर एक बार आप गीता का अध्ययन करें। पूरे 18 अध्याय पूरी शांति के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उसका अध्ययन करें। भाव ये होना चाहिए कि ईश्वर जो है, परमपिता ईश्वर हमें कुछ कह रहा है या कुछ बात जो कह रहा है उसे मैं सुन रहा हूँ, उस भाव से आप पढ़ें। जब आप गीता पढ़ेंगे, इस भाव से पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे आपका मन, आपका मस्तिष्क, आप सब कुछ सकारात्मकता से भर जाएंगे। ये उसकी पहली सीढ़ी है, जो सीढ़ी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मन मस्तिष्क सब सकारात्मकता से भर जाएगा। जो चीज़ें आपको नेगेटिव लग रही थी वो पॉजिटिव लगने लग जाएगी, अगर आपने सही तरीके से उन चीज़ों को पढ़ा होगा, अपनी गीता को सही तरीके से अध्ययन किया होगा। तो एक हिंदी, आप जिस भी भाषा में, सब भाषा में, हर भाषा में उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। तो पहला आपने जो मैंने बताया, आपको गीता के 18 अध्याय का अध्ययन करना है, उसमें से जो भी अध्याय आपको अच्छा लगे, 18 में से अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर उसमें से 7वां अध्याय या 11वां अध्याय या 13वां कोई सा भी अध्याय आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो आपके मन को प्रफुल्लित करेगा, आपके मन को एक बल देगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो आप उसको कंटिन्यू पढ़ना शुरू कर दें। आप एक बार 18 तो पूरे पढ़िए। अब आपके पीछे एक प्रश्न भी होगा कि आप 18 अध्याय जो है वो कंटिन्यू पढ़ें या एक एक करके पढ़ें, या दो दो पढ़ के करें, तीन तीन कैसे पढ़ें। आप का मन अगर हो रहा है रोज़ एक अध्याय पढ़ने का तो रोज़ एक पढ़े, आपका मन हो रहा है रोज़ दो पढ़ने का दो पढ़ी, मतलब कुल मिलाकर आपको 18 अध्याय जल्द से जल्द, जितनी जल्द हो सके, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर, जितने भी दिन आपको आपका लिमिट लगे उतने दिन में उन्हें पढ़ लीजिएगा। एक साथ बैठकर भी अगर आपकी क्षमता हो, इच्छा हो, तो एक साथ बैठकर पूरी मत पढ़िएगा। पूरी पढ़ेंगे तो आपको उबाव और बोरिंग लगेगा और एक टारगेट वाला काम रहेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़े और इंजॉय करके पढ़े। इसमें एक टेक्निकल बात ये जान ले कि उसे इंजॉय करके एक अच्छे मन से, एक सकारात्मक भाव से उसे पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे तो आप, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जितना गीता मोटिवेट कर सकती है। आप वो पाएंगे जो आपने कभी नहीं पाया होगा, आपके मन में वो ख्याल आएंगे जो आपको कभी नहीं आएंगे। तो ठीक है, पहली बात आप जान गए होंगे कि जो पहली बात आपको करना है। दूसरी बात है दोस्तों, आत्मशक्ति
जो भी व्यक्ति हैं, जो कुछ भी है, वो आत्मशक्ति से हैं, और आत्मशक्ति के लिए स्वयं का विचार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप खुद के विचार नहीं बनाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम कुछ अलग कर पाएंगे। तो खुद के जो जो व्यक्ति आज एक मुकाम पर हैं, या कोई जो भी व्यक्ति आज सामान्य है जीवन में, स्तर तक है आपकी नज़र में जो भी हो, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, उनका खुद का विचार है। हम आमतौर पर, हमारे साथ ये, हम दूसरों के विचारों पर चलते हैं, हम खुद के विचार पर चले कि हम इस बारे में क्या राय रखते हैं और ये गलत है या ये सही है, अब खुद रखें। और इसमें एक बात ऐड कर ले कि कई बार ऐसी कंडीशन में हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो उसमें सभी पक्षों की सभी पक्षों की हर विचार को सहमति प्रदान करें, इससे आपकी सकारात्मकता बनी रहेगी। थोड़ा टफ बात मैं कह गया हूँ, थोड़ा सा कठिन बात कह गया हूँ, लेकिन मैं सरल शब्दों में यही बात कहना चाहता हूँ कि जो भी बातें हैं, मतलब जो भी बातें हैं, जो भी विचार हैं, स्वयं के विचारों को और चिंतन को बढ़ाएं। आप किसी भी चीज़ में चिंतन करें और विचारों को बढ़ाएं, ये दूसरी बात है। इसे करने से हमेशा आप किसी भी नई चीज़ को सीखने की ललक आपकी बनी रहेगी, और जीवन में अज्ञानता, मैं देखिए भाई, आपको कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ कि अज्ञानता, मैं खुद अपने ऊपर भी बात कह रहा हूँ कि अज्ञानता इस जीवन के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। इसलिए ज्ञान जो है वो हर पीड़ा को हर लेता है, ज्ञान हर पीड़ा को हर लेता है। तो ज्ञान प्राप्त करते रहें, रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहें, जब तक आप सीखेंगे तब तक जीतते रहेंगे। तो पहला आपको दो कीवर्ड मैंने दिए हैं जिन्हें आप याद रखें। पहला आपको गीता के 18 अध्याय का अध्ययन करना है, दूसरा कीवर्ड है कि हमेशा स्वयं की विचारधारा बनाएं, स्वयं के विचार बनाएं, और इसमें एक बात ये ऐड कर दी जाए, जिसे तीसरा भी आप कह सकते हैं, कि हमेशा कुछ ना कुछ नया रोज प्रतिदिन नया सीखते रहें, प्रतिदिन नया सीखते रहें। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अनपढ़ हैं तो ये कर नहीं सकते, आजकल बहुत सी चीज़ें हैं आप उनसे सीख सकते हैं। चौथी बात, अपने विचारों को बहुत खुला और ओपन रखें। जो संकीर्णता है ना विचारों की, ये भी हमारे विकास के लिए बहुत ज़्यादा बाधा है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर वो कर देते हैं, तो अपने विचारों को बड़ा और बड़ा, और जितना बड़ा आप कर सके वो कर पाएँ, उसके लिए आप स्वयं का विचार पहले बनाएं। जैसे ही आप स्वयं का विचार बनाएंगे, तब आप सोचेंगे कि मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ और मेरी क्या राय है। अगर ये डेवलप आपकी हो गई, तो आप चीज़ों को बहुत बहुत गहराई से समझने और सोचने लग जाएंगे, और आपको हर परेशानी का हल मिल जाएगा, हर परेशानी का हल मिल जाएगा। इसमें एक बात है, वाणी कौशल भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छे से जो शिष्टाचार है वो बहुत बहुत ही गज़ब का हो जाता है। तो ये बातें थी, तो मैंने इस पार्ट, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि इस पार्ट में इतनी बातें काफ़ी है अभी के लिए। मैं अगला पार्ट आपके लिए बहुत जल्द उपलब्ध कराऊंगा, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में जय श्री महाकाल लिखें, और ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि उसे आप अगर बताएंगे तो मुझे थोड़ा आत्मविश्वास मिलता रहेगा और मोटिवेट मैं खुद भी होता रहूँगा अगर आप कोई अपनी राय रखेंगे तो। बस दोस्तों, ये बातें आप करते रहें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, हर परेशानी का हल आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।